हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करें वो है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन में है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए किस तरह से हमें सॉल्व करना है इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यह है एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इसमें ए बी सी क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए जो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ, जैसे एक्स वेरिएबल है इसमें यहाँ स्क्वायर है, तो इसके साथ जो कोफिशियंट है कुछ नहीं है तो वन है, वो हमारा क्या है a। ठीक है, तो ये तो हमारा a हो जाएगा। जो x के साथ है वो हो जाएगा हमारा b, और जो कांस्टेंट है वो हमारा c हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास a क्या आया, a जो है हमारा 1 है, b जो है वो 6 है, और c जो है वो 5। तो a b c की ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें रख दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है 6, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी इज 6, 6 का स्क्वायर, फिर ये माइनस 4 ए सी, 4 इंटू ए की वैल्यू, ए इज 1 इंटू सी, सी इज 5। ठीक है, और नीचे जो है 2 ए, 2 इंटू ए, ए इज 1। ठीक है, तो यहाँ हमने फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज थी वो सारी रख दी ए बी सी की। अब इसे सॉल्व कीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 अपॉन 2 1 जा 2। ठीक है, ओके, इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 20, दैट इज व्हाट, 16। ठीक है, और नीचे चल रहा है हमारा 2। और आगे सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 होता है 4 अपॉन 2। अब जब यहाँ तक पहुँच जाए आप, ठीक है, तो अब क्या करना है, एक बार बीच में प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन, क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज चाहिए हमें, तो एक बार प्लस साइन लेंगे तब आएगी और एक बार माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो जब हम प्लस साइन लेते हैं तो टेकिंग प्लस साइन, जब हम प्लस साइन लेते हैं तो ये कैसे बन जाता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 और बीच में आ जाता है प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, और इसे सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 4 इट्स 2, वो भी माइनस का अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स, तो ये आया माइनस का 1। ठीक है, तो x की जो एक वैल्यू आई वो तो आई माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, माइनस साइन ले, जब यहाँ माइनस साइन लेंगे तो हमारे पास क्या है, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, जब नेगेटिव साइन लेते हैं आप तो क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है माइनस 6, माइनस 6 फिर हो जाएगा माइनस 4 अपॉन, और नीचे चल रहा है 2, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10, वो भी माइनस का अपॉन 2, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो x की जो एक वैल्यू आई माइनस 5। ठीक है, तो ये दो आंसर हो गए, एक तो ये हमारा रूट है और एक ये। ठीक है, तो x की जो दो वैल्यूज हैं माइनस 1 और माइनस 5। तो इसमें हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।